गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो ना अपनी 2.3 में जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें मैंने आपको सेल्स फॉर विधि द्वारा जो सेल्स फॉर निकालना था, इसमें क्या है थोड़ा सा ये भी आपको भाग भी आना चाहिए, है ना। तो ये आपको मैं सिखा देता हूँ भाग कैसे करना है, ठीक है। तो एक आप करके ट्राई करना, ठीक है। मतलब इसमें भी आपको निकालना है, सेल्स फॉर ही बताना है। देखो ये विधि तो यूज में तो कब आती है, जब आपसे भाग फॉर और सेल्स फॉर दोनों पूछे, है ना। तो आपके जो एक्सरसाइज है उसमें सेल्स फॉर ही पूछा गया है। तो सेल्स फॉर तो आपने सीधा मैंने आपको उस विधि से बताया था कि आपको क्या करना है, एक्स ए के बराबर क्या है जीरो रख के एक बराबर माइनस ए। तो जहाँ जहाँ एक आए माइनस मतलब एक्स है वहाँ आपको क्या रखना है, माइनस का एक रखना है, हल करोगे जो लास्ट में बचेगा वो सेल्स फॉर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कई बार आपसे पूछ लेंगे भागफल बताओ इसका, तो फिर आपको इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। और इसका भाग देने का ना वैसे तो नंबर्स का भाग देने का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है और इसका थोड़ा सा भाग देने का अलग है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पहले पहले पदों को ना एक जैसा करना है, भाजक के, ठीक है, भाजक के और भाज्य के पहले पहले पदों को क्या करना है, एक जैसा करना है। यहाँ आ रहा है एक्स, यहाँ आ रहा है एक्स की क्यूब, तो किसकी कितने की कमी है यहाँ, इसको ना इसके जैसा बनाना है। इस x को इसके जैसा बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, x की स्क्वायर से, मतलब x प्लस a। मतलब अगर मैं x की स्क्वायर को x से गुणा करूंगा तो x की क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया x की क्यूब प्लस में x की स्क्वायर, जो गुणा करके आया ना उसको इसके नीचे लिख दो, क्या आया x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर। आपने किससे गुणा किया, x की स्क्वायर से, इसको आप लिखोगे भाग कर लोगे, यहां तक आ गए। अब आपने क्या करते हैं, भाग में वही प्रक्रिया की घटाते हैं ना, घटाते हैं तो घटाने के लिए माइनस, समीकरणों को घटाने के लिए यहाँ क्या करना है माइनस, जहां प्लस है वहां तो माइनस, यहाँ प्लस है मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट गए। तीन एक्स की स्क्वायर में से एक्स, एक्स की स्क्वायर, ये एक्स की स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। तीन एक्स की स्क्वायर में से एक्स की स्क्वायर जाएगा तो कितने बचेंगे, प्लस के तीन एक्स की स्क्वायर, माइनस के एक्स की स्क्वायर, किसके ज्यादा है, प्लस के कितने, दो एक्स की स्क्वायर, बाकी जो बचा है उसको एच डी जैसा करना लिखो, तीन एक्स प्लस में। अब यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ एक्स की स्क्वायर आ रहा है, तो कितने की कमी है, एक तो कमी है एक्स की, यहाँ दो आ रहा है, यहाँ दो नहीं आ रहा, तो एक कमी है दो एक्स की, तो दो एक्स से पूरी इसको एक्स प्लस एक से गुणा करेंगे, तो दो एक्स को एक्स से गुणा किया, ये हो गया दो एक्स की स्क्वायर, दो एक्स को प्लस एक से किया, प्लस के दो एक्स उठा के इसके नीचे लिख दो, इसको गुणा करने के लिए ये काम है ना, ये गुणा करने वाला ये आप रफ में करोगे पीछे, यहाँ साथ साथ नहीं करना है ये, ठीक है। प्लस में दो एक्स किससे गुणा किया, यहाँ क्या है एहसास क्या है, प्लस का किससे गुणा किया, प्लस दो एक्स से, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के दो एक्स, निशान चेंज, माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। तीन एक्स में से दो एक्स जाएंगे, क्या बचेगा एक्स बचेगा, और ये रहेगा प्लस में एक। अब यहाँ क्या आ रहा है x प्लस एक, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक से, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का क्या आ गया एक, और ये आ गया x प्लस एक, निशान चेंज, माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, क्या बच गया जीरो। तो ये तो आपका हो गया शेष पद, और ये यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका हो गया भाग, ठीक है। तो ये भाग विधि से आपको इसको ऐसे करना था। अब नहीं समझ में आए वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है। YouTube पे वीडियो चलाने का ये फायदा है कि आप उसको रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो ना। लाइव क्लासों में क्या होता है कि जो हो गया एक बार उसके आगे नहीं बढ़ते, तो इसमें आपको आगे बढ़ सकते हो, मतलब रिपीट देख सकते हो, ठीक है। 2.3 का ये भाग विधि से आपको भाग आना जरूरी था, थोड़ा मैं बता देता हूँ, इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। अब आ जाओ अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे। 2.3 वैसे कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये एक मैंने बात रह गया था बताने वाला, वो मैंने आपको बता दिया। तो 2.3 पे आ जाओ, चलिए 2.4 एक्सरसाइज नंबर 2.4 देखो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है x प्लस a, है ना। पहला सवाल है कि x प्लस a किसका गुणनखंड है, देखो तो x प्लस a को क्या करो 0
जीरो के बराबर x बराबर क्या रखा माइनस का है, x बराबर क्या आ गया माइनस का है। अब आपके जितने भी सवाल है ना, जैसे पहला ही है x की क्यूब प्लस में x की स्क्वायर प्लस में a, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है माइनस का है। हल करने पे अगर सेसफुल आ जाता है, हल करने पे अगर आ जाता है जीरो, तो ये इसका गुणनखंड है वरना नहीं है। तो यहाँ रखा माइनस के एक की क्यूब प्लस माइनस एक की स्क्वायर प्लस माइनस का एक प्लस एक। माइनस एक की क्यूब का मतलब है माइनस को तीन बार गुणा करेंगे तो माइनस का एक ही आएगा। माइनस एक की स्क्वायर का मतलब प्लस का एक, प्लस माइनस का एक, फिर प्लस का एक माइनस का कट गया, प्लस का एक माइनस का कट गया, क्या बच गया जीरो। इसका मतलब पहले का ये x प्लस एक गुणनखंड है। तो यहाँ नीचे लिखोगे x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में a का गुणनखंड x प्लस एक है, ठीक है। अगला है इसी का दूसरा है, ठीक है, इसी का ना दूसरा सारे एक ही जैसे सवाल है। मैं आपको चौथा करवा देता हूँ, x की क्यूब माइनस x की स्क्वायर माइनस दो प्लस में रूट दो x प्लस में रूट दो। जहां जहां x है वहां वहां हर सवाल में माइनस ही करना है। यहां रखेंगे माइनस के एक की क्यूब माइनस माइनस एक की स्क्वायर माइनस दो प्लस रूट दो इंटू माइनस का एक प्लस रूट दो। ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का क्या आ गया एक माइनस, ये माइनस एक स्क्वायर है तो ये प्लस कर देगा एक। ये माइनस माइनस प्लस दो प्लस रूट दो प्लस में रूट दो। अब देखो माइनस का एक माइनस का एक माइनस के दो, दो से कट गया, रूट दो कितने हो गए दो, दो से दो, ठीक है। अब ये जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब x की क्यूब माइनस x की स्क्वायर माइनस दो प्लस रूट दो इंटू एक्स प्लस रूट दो का गुणनखंड x माइनस एक नहीं है, ठीक है। तो ये इसके सारे सवाल एक ही जैसे हैं, आप कर लेना। अगला जो सवाल है गुणनखंड पर मैं लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। बस सेम सवाल है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है ना आपको, तो जी एक्स में क्या करना है x प्लस एक है, तो x बराबर क्या प्लस एक को क्या करना है जीरो के बराबर, x बराबर क्या आ गया माइनस का एक। जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है माइनस एक, और हल करने पे अगर जीरो आ जाता है तो उसका गुणनखंड है वरना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो तक आप कर लेना है, एक ही जैसे सवाल है सबके, ठीक है। वो एक में करा देता हूँ आपको, देखो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है दो एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस का एक, और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस में ए। वो कह रहे हैं कि जी एक्स से ना पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो इस जी एक्स की वैल्यू को क्या रखो जीरो बराबर, मतलब जी एक्स बराबर क्या रखना है जीरो। तो मतलब x प्लस एक बराबर जीरो, x बराबर क्या आ गया माइनस का एक। अब जहां जहां अगर x की जगह माइनस एक रखने पर अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है तो गुणनखंड है वरना नहीं है। तो p की जगह माइनस का एक बराबर दो इंटू माइनस एक की क्यूब प्लस माइनस एक की स्क्वायर माइनस दो इंटू माइनस का एक माइनस के एक। दो इंटू माइनस एक की क्यूब का मतलब आ गया माइनस का एक, प्लस माइनस एक की स्क्वायर का मतलब एक, माइनस माइनस प्लस के दो माइनस का एक। फिर ये प्लस है प्लस माइनस, माइनस के दो प्लस का एक, प्लस के दो माइनस का एक, प्लस के दो माइनस के कट गया, प्लस का एक माइनस के कट गया, क्या बच गया जीरो। जीरो आ गया, इसका मतलब एक्स प्लस एक है ना, इसका गुणनखंड है। तो नीचे लिखोगे पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर दो के भी अब सारे सवाल है ना एक ही जैसे है, बाकी जितने भी सवाल है सबको इसी तरीके से करना है। अगर हल करने पे जीरो आ जाता है तो उसका गुणनखंड है, हल करने पे जीरो नहीं आता तो उसका गुणनखंड नहीं है,
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।